दोस्तों वेलकम है आपका स्वागत है जी यूनिट टू फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज अब मैन्युफैक्चरिंग वालों में एक नया अकाउंट वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ठीक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो आज का चर्चा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो क्यों बनाते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं ये सवाल अगर आप करते हो तो इसका जवाब ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चलता है आहा सर क्यों पता करना है कॉस्ट अरे क्या ऐसी बातें करते हो कॉस्ट इसलिए पता करते हैं फॉर एसेसिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये जो बॉल हम बना रहे हैं दस रुपया का बन रहा है टेन रुपीज पर पीस हमारा कॉम्पिटिटर का खबर है कि वो नौ रुपया पर पीस में बना रहा है तो सारा कॉस्ट को जब हम लोग जोड़ते हैं खर्चा करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, कैसे पता चलता है दस रुपया है या नौ रुपया एक लाख बॉल बनाया हमने और खर्चा हुआ दस लाख रुपया तो दस लाख डिवाइडेड बाई एक लाख करने से पता चला कि दस रुपया पर बॉल का खर्चा है साढ़े आठ लाख रुपया खर्चा आया मैन्युफैक्चरिंग खर्चा और बॉल बना एक लाख पीस अरे वाह साढ़े आठ रुपया पर बॉल मतलब हम जो अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इफ़ेक्टिव मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है बड़ा सही काम कर रहे हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आर देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बाहर से परचेज करते थे बाहर से परचेज करते थे अब क्या मैं बाहर से परचेस करूँगा नहीं करूँगा क्यों नहीं करूँगा क्योंकि मेरा खुद का और अपन का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है रे बाबा अपन लोगों को बाहर से माल का को खरीदने का अपने को मालूम ना अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ना बाबा वही अपना परचेस कॉस्ट है बाहर से नहीं अपना ख़ुद का माल है यार खुद का खुद का फैक्ट्री समझे कि नहीं तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया वाइल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीखे थे कि जो गुड सोल्ड किए हैं सेल किए हैं उसका कौन सा क्या खर्चा है तो उसमें हम लोग इन्वेंट्री वगैरह का कैलकुलेशन ऑलरेडी सीख चुके हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो दिखाता है कि कॉस्ट क्या है खर्चा क्या है क्योंकि तो हमारा जो बनाने का खर्चा है उसी को तो बेच रहे हैं ठीक है विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस अब जैसे हम शर्ट बना रहे हैं दोस्त हमारा काम है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का और शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ का दरकार होता है तो ये क्लॉथ के बिना तो शर्ट बन ही नहीं सकता आया बात समझ में तो जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डायरेक्ट कंपोनेंट, डायरेक्ट मटेरियल चाहिए अब टेलर के बिना भी तो सर नहीं बन सकता है आपका शर्ट तो ठीक है ये भी डायरेक्ट खर्चा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विथ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस ये क्या मतलब हुआ सर ये नया शब्द वर्क इन प्रोग्रेस क्या है सर वर्क इन प्रोग्रेस क्या है अरे भैया कपड़ा खरीदा रोल में ये कपड़ा का रोल है कटिंग किया कपड़ा को उसके बाद स्टिचिंग किया उसके बाद आयरनिंग होगा उसके बाद बटन होगा उसके बाद पैकिंग होगा पैकिंग वैकिंग सब हो गया तो ये गुड फिनिश्ड गुड्स हुआ माल बिकने के लिए रेडी बट अभी समझ लो कटिंग एंड कटिंग ही हुआ है स्टिचिंग भी नहीं हुआ है तो कुछ कुछ वर्क इन प्रोग्रेस अभी ये काम जो है चल रहा है मतलब एक लाख शर्ट जो है वो कटिंग करके रेडी है बस अब टेलर मास्टर साहब आएंगे फटाफट स्टिच करेंगे राइट तो ये है वर्क इन प्रोग्रेस और ये जो है जो रोल है कपड़े का कपड़े का रोल है दिस इज रॉ मटीरियल बट ये रोल से जब कट के शर्ट के साइज में आ गया स्टिच हो गया आधा शर्ट स्टिच हुआ कुछ नहीं हुआ अब सिलाई में भी तो पता दोस्त कच्चा सिलाई होता है पक्का सिलाई होता है एक बार एक बार चलो देख लेते हैं डिजाइनर को दिखाना है डिज़ाइनर साहब देख लेते हैं तो इस तरीके से काम होता है तो ये सब सब वर्क इन प्रोग्रेस है सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल भी आ जाएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है और मैन्युफैक्चरिंग में ये सब भी जब कटिंग है क्या है नहीं है तो दीज आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस तो ये भी आएगा वाइल्ड ट्रेडिंग अब एक बात बताओ ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं ट्रेडिंग मतलब माल बेचना है क्या ये आधा अधूरा स्टिचिंग वाला माल बेचते हैं हम लोग दोस्त नहीं बेचते हैं सर आधा अधूरा माल तो नहीं बिकता तो ये आधा अधूरा वर्क इन प्रोग्रेस या ट्रेडिंग में जाना चाहिए याद करो जब हम परचेस करते थे तो क्या हम आधा अधूरा माल परचेस किए थे आज तक नहीं सर जो एकदम शर्ट बन के एकदम पैकिंग वैकिंग हो गया उसको परचेस करते थे तो अभी भी यही समझ लो कि भले ही हमारा फैक्ट्री है तो जो भी शर्ट हम डालेंगे बेचने के लिए तो वो तो पूरा परफेक्ट फिनिश गुड्स होगा तो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में हम फिनिश्ड गुड्स पे ही डील करते हैं देखो तो लॉजिकली समझोगे तो कितना अच्छा लगेगा अब रटना है तो सिर्फ पढ़ के छोड़ छोड़ दो यार ठीक है सो so अब इस लाइन को देखो फर, पढ़ो वापस से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विद रॉ मटीरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस वाइल द ट्रेडिंग अकाउंट वो डील विथ द फिनिश गुड्स ओनली अब मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें आपको कोई शक होगा हाँ सर एकदम बकायदा फिनिश गुड्स ही होना चाहिए तो यहाँ तक तो हमने मोर मोरलेस माहौल पूरा एकदम बना दिया वर्क इन प्रोग्रेस जो है अल्टीमेटली क्या उसको वर्क इन प्रोग्रेस रखना हमारा कोई भी प्रकार का उद्देश्य है नहीं सर हमारा उद्देश्य तो है शर्ट को एकदम बाकायदा पैकिंग करके रेडी कर लो तो कॉस्ट यहाँ निकालने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो होगा नहीं क्योंकि जब बेचना है तो WIP को तो बेचना नहीं है बेचना तो है फिनिश गुड्स को तो इसीलिए अल्टीमेटली WIP को बस क्योंकि पैसे खर्च हो चुके हैं रॉ मटेरियल पे पैसा लगा रॉ मटेरियल WIP बना तो इसको अकाउंटिंग में रख ले रहे हैं बट हमारा मेन फोकस क्या है फिनिश प्रोडक्ट पे तो फिनिश प्रोडक्ट का कॉस्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट ये हमारा मेन पर्पस होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का सो इट शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश प्रोडक्ट्स एंड सेट्स आउट इन डिटेल विथ अप्रोप्रिएट विथ अप्रोप्रिएट क्लासीफिकेश द कॉन्स्टुट एलिमेंट्स ऑफ सच कॉस्ट एकदम डिटेल में बताएंगे आप चिंता मत करिए जो खर्चा लगा कहां, कहां कैसे लगा टेलर ने कितना लिया कपड़ा का कितना लगा यहां तक बटन जो है उसका भी खर्चा बताएंगे हम आपको इट इज देयर फॉर डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसिस इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन मैनुफैक्चर इनडायरेक्ट अरे देखो भाई मशीन का कभी कभी ऑयलिंग ऑयलिंग करना पड़ता है कुछ रिपेयरिंग कराना पड़ता है ख़र्चा तो हो ही जाता ना वो जो बाहर दरवान खड़ा है उसका भी खर्चा हो ही जाता है तो कुछ कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं ठीक है बिजली बिजली चल रहा है फैक्ट्री का भी बिजली का अलग बिल आ रहा है उसका भी अलग आ रहा है लास्ट ईयर तो भैया हम लोग दस रुपया का बॉल बनाए थे इस बार कॉस्टिंग बारह रुपया का आ गया क्यों सर देख लीजिए ना क्यों आया देखिए ना सर नहीं आप देखिए आपको तो लग रहा है रबड़ सीट का दाम कम हो गया है हाँ सर आपको तो लगेगा ही तो क्योंकि हांगकांग घूमने गए थे आप बीवी बच्चों के साथ कंपनी के खर्चे पे और वहाँ से आपने रबड़ सीट इंपोर्ट कराया हाँ जी मानते हैं सर दस परसेंट सस्ता आ रहा है रबड़ मानते हैं सर बट सर ये जो लेबर का जो दाम बढ़ गया है जो कल तक जो लोग तीन सौ रुपया में काम करते थे आज उनको साढ़े चार सौ रुपया दे रहे हैं वो खर्चा आपने दे नहीं ध्यान दिया आइए ना सर बताते हैं आइए ना आइए 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 आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं ना आइए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा सर आइए एक एक डिटेल बताएंगे सर तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है क्योंकि एक एक डिटेल में काम करके रखें ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ द आउटपुट इज कैरी टू द ट्रेडिंग अकाउंट एट मार्केट प्राइसेस इट डिस्क्लोजेज द प्रॉफिट और लॉस ऑन मैन्युफैक्चर मुझे क्या कह डाला इफ द आउटपुट इज कैरिड टू द ट्रेडिंग अकाउंट एट मार्केट प्राइसेस। इट डिस्कलोजेज द प्रॉफिट ऑन लॉस और मैनुफैक्चर कहने का मतलब है मार्केट प्राइसेज मतलब कितना में बिक रहा है ठीक है तो कितना में बिक रहा है तो बस सीधा अपने को प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा इसमें क्या बड़ा बात है सिमिलरली इट मे ऑल्सो बी यूज टू फिक्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बोनस वेन सच स्कीम्स आर इन फोर्स तो प्रॉफिट पता चलता है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख कर प्रॉफिट पता चला कि कितना मैन्युफैक्चर किया कितना बिक्री हुआ तो बोनस जब हमको अगर वर्कर को बोनस देने का बात किया कि भैया आप लोग ठीक से मन लगा कि काम करिए ना आप लोग ही तो हमारे मेन ताकत है मजदूर भाईओ मजदूर भाइयों तुम लोग मन लगा के काम करोगे ना मजदूर भाइयों, तो ये फैक्ट्री दिन दुगनी, रात चौगनी तरक्की करेगी दोस्तों भाइयों और विश्वास करो आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बनाऊंगा मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं बना रहा हूं मैं आपको फूल बताइए तो सही कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कितना बोनस मिलेगा अरे मजदूर भाइयों मेरे को बेमान मत समझो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख लेना मेरे भाइयों उसमें से जो प्रॉफिट आएगा मजदूर भाइयों दस परसेंट का प्रॉफिट मजदूर भाइयों आपका अधिकार है मन लगा के काम करो वो दस परसेंट का प्रॉफिट जाएगा आपके बच्चों के स्कूल बनने में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ये तो ओपनिंग क्लोजिंग वाला जो हम लोग बाद में पहले पढ़ चुके हैं ये वही है सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये सब अपने को पता है इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स ऑल्सो टर्म एज वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस बोल लो या प्रोग्रेस बोल लो इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सो डब्ल्यू आई पी इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये बात तो हम समझा चुके हैं क्योंकि डब्ल्यू आई पी को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने का कोई लॉजिक समझ में आ रहा है आपको बताइए हम तो लॉजिक समझ गए सर तो हमको रटना क्यों हम तो एकदम बस दिमाग में बैठ गया डब्ल्यू आई पी मतलब ही सीधा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ट्रेडिंग में हम कभी भी आधा अधूरा एक शर्ट है जिसका अभी तक हाथ सिलाई नहीं हुआ उस शर्ट को क्या आप ट्रेडिंग में रखोगे बेचने के लिए नहीं रखोगे तो जब हम बेचने के लिए रखेंगे नहीं तो भैया उसको हम अकाउंट्स में ट्रेडिंग में क्यों डालेंगे सिंपल सा लॉजिक है भाई ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सेम ट्रीटमेंट जो हम क्लोजिंग स्टॉक ये सब ओपनिंग स्टॉक ये सब को करते हैं आर कॉस्ट अदर देन मटीरियल और वेजेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर देन मटीरियल और वेजेस मटीरियल एंड वेजेस मटीरियल हुआ कपड़ा वेजेस हुआ टेलर तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और क्या हो सकता अदर देन विच आर इनकर्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सेलेबल सर्विस सर समझ में नहीं आया सर एक किसी को बनाने के लिए सर कपड़ा लगेगा ठीक है कुछ या जो भी मटेरियल लगेगा और या उसका वेज लगेगा और क्या लग सकता है सर जो डायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और क्या लग सकता है भैया देखो कुछ टेक्नोलॉजी हमने हायर किया किसी से अब उसने कहा कि भैया ये टेक्नोलॉजी हम तुमको दे रहे हैं क्योंकि तुमको तो कुछ आता नहीं है मेरे टेक्नोलॉजी से बनाओ बट हर एक पीस का जो तुम बनाओगे उसके ऊपर दो सौ रुपया लगेगा एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर रॉयल्टी इज फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी हायर चार्ज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी यूज ऑन हायर इफ बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वेन रॉयल्टी और हायर चार्जेस आर बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सो रॉयल्टी हो गया या हायर हो गया एंड इफ दे आर बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस पर यूनिट बेसिस पे दीज एक्सपेंसिस डायरेक्टली वेरी विद प्रोडक्शन डायरेक्टली वेरी विथ प्रोडक्शन मतलब वेरी मतलब चेंज अब एक यूनिट का दो सौ रुपया तो दो यूनिट का चार सौ रुपया तीन यूनिट का छह सौ रुपया तो चेंज हो रहा है ना भैया जैसे जैसे यूनिट बदल रहा है वैसे वैसे खर्चा बदल रहा है एक लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री कितना यूनिट्स एक लाख यूनिट्स पर यूनिट मटीरियल कॉस्ट वॉज दस तो अपने को सीधा समझ में आ रहा है कि दस लाख रुपया तो भैया हो गया मटीरियल का कॉस्ट देखो समझ में आना चाहिए सब चीज़ आया एंड पर यूनिट लेबर कॉस्ट वॉस पांच रुपया तो पर यूनिट एक लाख तो मतलब पांच रुपया हो गया फाइव लैक्स लेबर कॉस्ट तो ये तो जी हो गया डायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट लेबर ठीक है डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डैट अपार्ट दैट अपार्ट मतलब इन दोनों को छोड़ के इट वॉज अग्रीड टू पे रॉयल्टी मतलब ये हो गया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा रॉयल्टी ठीक है बस अपने को पता होना चाहिए ठीक है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टी थ्री रुपीज पर यूनिट तो तीन लाख रुपया तो जी हो गया थ्री लैक्स हो गया डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या रॉयल्टी इसको लिखो रॉयल्टी एक्सपेंसेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं रॉयल्टी एक्सपेंसिस तो अपने को तो पता है कि रॉयल्टी को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं बट ये खर्चा किस नाम का है रॉयल्टी के नाम पर टू जैपनीज हु सप्लाइड टेक्नोलॉजी तो एक लाख पीस बनाने का कुल मिला के मेरा लग गया अठारह लाख रुपया तो 18 रुपया पर पीस आया जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो हमने तो जी निकाल लिया अठारह रुपया सो so डायरेक्ट ये अट्ठारह लाख रुपया सो so पर पीस क्योंकि एक लाख पीस था तो पर पीस भी अगर अपने को लिखना था तो एटीन पर पीस या पर यूनिट यूनिट मतलब सिंगल यूनिट ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है सर ओवरहेड बोलते ही क्यों है मैंने बहुत सोचा मेरा तो काम है सोचना जो कोई नहीं सोचे वो मैं सोचूं मैं सोचा कि जब हम मटेरियल से काम करते हैं तो आंखों से मटेरियल दिख रहा है एकदम जो एकदम आंखों के सामने है दिख रहा है और मतलब ओवरहेड तो मतलब आंख के ऊपर होता है माथा और माथा के ऊपर का खर्चा तो कहीं ना कहीं ये वो खर्चा है दोस्तों जो नजर नहीं आ रहा है समझे दोस्त खर्चा हो रहा है बट नजर आम जैसे एक होता ना एकदम तुरंत नजर आना अब शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है तो भाई शर्ट का कपड़ा तो तुरंत नजर आता है बट कुछ कुछ खर्चे हैं जो नजर नहीं आते अब जैसे एक दरवान है फैक्ट्री का दरवान बेचारे कोना में बैठा हुआ है कोना में जो एकदम स्टार्टिंग में दरवान जी बैठे हैं ठीक है अब उन दरवान जी का भी कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है तो बहुत सारे चीज जो है नजर नहीं आ रहे बट उनका खर्चा या उनके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो जरूरी है क्योंकि वो फैक्ट्री को संभाल के रखें तो ओवरहेड मतलब जो खर्चे तो है नजर नहीं आते आमतौर पे ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सब इनडायरेक्ट है दोस्तों क्योंकि डायरेक्टली तो नजर आ ही नहीं रहा ना भाई इनडायरेक्ट क्यों नज़रों से अगर देख लें तो डायरेक्ट ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट 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 फॉर एग्जांपल स्टोर्स कंज्यूम फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क में भी तो कुछ मटेरियल लगता है ना दोस्त स्मॉल टूल्स फ्यूल लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन को चलाने के लिए जो ग्रीस मोबिल कहीं कहीं पेट्रोल ठीक है कूलेंट ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट वेजेस क्या हो गया एक वेज है जैसे शर्ट बनाने को मास्टर साहब टेलर साहब को दे रहे हैं तो और भी कुछ वेजेस हो सकता है कि, बिल्कुल हो सकता है दे आर वेजेस विच आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अब टेलर साहब को तो जैसे शर्ट एक सौ शर्ट बनाया तो एक सौ शर्ट का टेलरिंग कॉस्ट दे दिया तो ये डायरेक्ट वेजेस है इनडायरेक्ट क्या एग्जाम्पल वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्क कहने का मतलब है अकाउंट्स में तो लिख रहे हैं वेजेस ही ना दोस्त तो वेजेस में एक हो गया डायरेक्ट एक हो गया इनडायरेक्ट तो कहने का मतलब है डायरेक्ट जब हम बोलेंगे तो ये डायरेक्ट वेजेस मतलब ये वो वेज है जो टेलर को दिया गया है इनडायरेक्ट मतलब ये वो वेज है जो टेलर को नहीं दिया गया है तो अपने को ये तो समझ में आएगा कि टेलरिंग कॉस्ट कितना है और इनडायरेक्ट खर्चा कितना है ठीक है कभी कभी ये क्यों कर रहे हैं अब देखो ऐसा हो सकता है मशीन पुराना हो गया है अब इसमें क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन ले पाएंगे कि अरे भैया रिपेयरिंग का तो बहुत ज्यादा लग जा रहा है अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो मिक्स हो जाएगा मिक्स तो पता ही नहीं चलेगा जो बड़े मैनेजर है सीनियर मैनेजर है उनको डिसीजन लेना है तो पता तो चलना चाहिए ना सिर्फ वेजेस लिख दे रहे हैं सिर्फ वेजेस तो जो भी रिपोर्ट देखेगा उसको क्या लगेगा कि शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो वेज जो है वो तो टेलरिंग का खर्चा होगा तो कल्पना कर ही नहीं पाएगा कि नहीं जी और भी रिपेयरिंग के भी वेजेस हो सकते हैं वो सब इसी के अंदर में मिक्स्ड हो गए हैं तो अपने जो सोच रहे थे कि ये जो वेज है सिर्फ और सिर्फ टेलर का है नहीं जी नहीं तो इसीलिए क्लासीफाई करना जरूरी है जिससे अपने को आइडिया लगता है फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग एक्सपेंसिस डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री शेड एटसेट्रा तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस अब चलो एक अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन करना है बाई प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जब अपने घी बनाते हैं ना मम्मी से पूछना कभी मम्मी अगर घर पे घी बनाती है तो घी बनाते बनाते मेन फोकस तो घी बनाने का है बट बन जाता है लस्सी क्या घी नहीं बन रहा अरे घी तो बनी रहा है मेरे भाई घी बनाने के प्रोसेस में लस्सी भी बन जा रहा है ऐसे सिचुएशन को कहते हैं घी जो है घी बनाना हमारा मेन उद्देश्य था ना तो घी को हम लोग क्या कहेंगे मेन प्रोडक्ट और लस्सी को कहते हैं बाई प्रोडक्ट क्योंकि लस्सी बनाने का जी कोई प्रकार का इच्छा नहीं था हमारा फुल कंसंट्रेशन घी बनाने में था अरे बबुआ एक प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट सर लस्सी भी तो एक प्रोडक्ट है मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ बट ये बाई प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि हमारा मेन फोकस था घी बनाने में तो घी बनाने के चक्कर में लस्सी बन गई लस्सी बनाना नहीं चाहते थे ठीक है तो इसीलिए यह है मेन प्रोडक्ट एम पी ये है बी पी सो इन मोस्ट मैन्यूफैक्चरिंग ऑपरेशन द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज अ कंपनीड बाई द प्रोडक्शन ऑफ अ सब्सिडरी प्रोडक्ट विच हैज़ अ वैल्यू ऑन सेल अच्छा ये क्या बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग तो अभी काम कर रहे हैं अकाउंट्स वाला अब क्योंकि घी बनाने का एक खर्चा आता है तो लस्सी बेच ले भाई लस्सी को सेल कर लो और घी बनाने का जो एक्सपेंस है लस्सी से जो बेचने से जो पैसा आएगा उस एक्सपेंस को कम कर दो आया बात समझ में ये पूरा बाई प्रोडक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है कि बाई प्रोडक्ट को बेच लो भाई बेचने से जो आमदनी आया उसको कॉस्ट से जो भी खर्चा हो रहा है जो भी खर्चा हो रहा है कॉस्ट से लेस कर दो सेल प्रोसीड्स ऑफ बाई प्रोडक्ट कहने का मतलब अगर मेरा ख़र्चा आया तो पाँच लाख रुपया किसी चीज़ पे और पचास हज़ार का हमने बाई प्रोडक्ट बेच लिया तो पचास हज़ार माइनस करके अपने बोलेंगे चार लाख पचास हज़ार इज़ माई ख़र्चा कि अपने बात कर रहे हैं मैनुफैक्चरिंग खर्चा तो मैनुफैक्चरिंग करते करते घी बनाते बनाते घी बनाने का खर्चा में लस्सी आ गई लस्सी को बेच लो लस्सी को बेचने का जो आमदनी होगा उसको मेन खर्चे से माइनस कर दो ये है पूरा कहानी स्टील बनाएंगे तो स्क्रैप निकलेगा और हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल बनाओगे तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा क्या बात अब कहने का मतलब है कि कॉस्टिंग कर रहे हैं तो बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालें क्या हम लोग नहीं निकालना क्यों बाई प्रोडक्ट पे तो हमारा फोकस ही नहीं है यार कहने का मतलब बाई प्रोडक्ट एकदम तो छोटा सा अगर हमने एक हजार टन स्टील मैन्युफैक्चर किया और समझो दो टन स्क्रैप निकला है तो दिस इज नथिंग ठीक है एक हजार का एक परसेंट होता है दस टन ठीक है दिस इज लेस देन वन परसेंट पॉइंट टू परसेंट तो इस पर थोड़ी ना फोकस है यार हमारा ये ऐसा क्यों बोला गया है कि दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल विच इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द मेन प्रोडक्ट भाई गलती से भी अगर कोई बोल ले कि सर लस्सी बनाने के लिए या जो लस्सी बन रहा है तो लस्सी जिस चीज़ से बन रहा है वो आप खरीदिए ही मत अरे भाई लस्सी तो बना ही नहीं रहे हम स्क्रैप तो हम बना ही नहीं रहे हम तो आयरन बना रहे हैं आयरन बनाते बनाते जिस चीज़ से आयरन बन रहा है उसको बनाते बनाते स्क्रैप बन रहा है ठीक है तो मतलब रॉ मटेरियल कॉमन है एंड विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल एक्सपेंसिस फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन मतलब कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं लग रहा है अगर कोई अपने को ज्ञान दे कि लस्सी बनाना बंद कर दीजिए तो लस्सी का खर्चा जब अपने को लस्सी चाहिए ही नहीं तो लस्सी का खर्चा भी क्यों आए अरे भाई हम तो लस्सी बना ही नहीं रहे हम तो घी बना रहे हैं घी बनाते बनाते लस्सी बन के आ जा रहा अपने आप आए बात समझ में तो इसमें कहीं से भी कॉस्ट को हम बाई प्रोडक्ट मतलब यह है कि मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट बन जा रहा है ना तो एडिशनल मटेरियल लग रहा है ना तो एडिशनल उसमें कोई भी खर्चा लग रहा है फोकटिया का बन के आ गया आया बात समझ में अब जो फोकटिया का बन कर आ गया फ्री में बन कर आ गया उसको बेच लेंगे और जो मेन कॉस्ट है उससे माइनस कर देंगे तो पचास बार सम करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा यह गलत प्रैक्टिस है तो डिस्कशन करेंगे डिस्कशन में चर्चा करेंगे चर्चा पे समझेंगे ना चीज़ों को मोलासिस इज द बाई प्रोडक्ट इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग बटर मिल्क इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ डेयरी विच प्रोड्यूस बटर एंड चीज़ सो बटर एंड चीज़ बनाना है तो बटर मिल्क जिसको लस्सी कहते हैं दे आर जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू कौन नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसका बात कर रहे हैं बाई प्रोडक्ट का अगर सेपरेट आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आम तौर पे नहीं हो पाता है, तो एक काम करो उसको बेच लो बेचने से जो फायदा आया उसको माइनस कर लो इट इज ऑफन ट्रीटेड एज मिसनियस इनकम तो ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्त बट क्या ये मिसलिनियस इनकम सही ट्रीटमेंट है ये सोचने वाली बात है तो फिर सोचा गया फिर बताया गया बट द करेक्ट ट्रीटमेंट वुड बी टू क्रेडिट सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो यहाँ हम लोग घी का सेल दिखा रहे हैं घी का क्योंकि सबको पता है कि हम लोग घी बेचते हैं अब नीचे में मिसलिनियस इनकम या दिखा दें, तो किसी को क्या पता कि यार ये लस्सी का भी इसी में डाल दिया लस्सी नहीं बेचते हैं यार हम लोग घी बेचने वाले इंसान है कहाँ यार लस्सी बेचने वाले से कंपेयर कर रहे हैं मेरे को ठीक है तो कुल मिला के कुल मिला के इम्पैक्ट तो एक ही आएगा समझाता हूँ कैसे समझो कि अगर मेरा दो लाख रुपया का सेल है और मेरा एक लाख रुपया का खर्चा है तो मेरा प्रॉफिट तो भैया एक लाख आया ना हाँ जी आया अब समझ लो मेरा दो लाख का घी का सेल है और दो हजार रुपया का लस्सी का सेल है तो लस्सी को हमने मिसलिनियस इनकम लिख दिया तो मेरा प्रॉफिट आएगा एक लाख दो हज़ार पर हम लोग ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये मिसलिनियस इनकम नहीं लिखो यहाँ पर क्योंकि अच्छा नहीं लगता तो एक काम करो कॉस्ट जो है यहाँ से माइनस कर दो हज़ार ये नहीं लिखेंगे तो ये नाइन्टी एट हो गया ये दो हो गया तो अपने आप ये एक दो आएगा तो यही चीज़ बताने का कोशिश कर रहे हैं तो आइए अब देखना अपने को डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले तो बोलते हैं डिजाइन देखो फिर बोलते हैं देर इज नो स्टैंडर्डाइज डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में बाय बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बाय ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो भाई मेन मेजर कॉस्ट तो प्राइम में सबसे पहले रॉ मटेरियल लगेगा ये तो चलो ओपनिंग क्लोजिंग ये सब तो अपने को बात का डिटेल्स पता है तो प्राइम में डायरेक्ट वेज लगेगा और डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा तो प्राइम खर्चा क्या है प्राइम खर्चा इज़ डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर रॉयल्टी एंड हायर चार्जेस और अब इस फॉर्मेट में टू फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे में रॉयल्टी एंड हायर चार्जेस लिख रखा डायरेक्ट मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसेज में एकदम बाकायदा आपने लिख रखा है जी रॉयल्टीज़ हायर चार्जेस बट इसमें डिस्प्यूट करने से पहले दोस्तों एक चीज देखिए क्या बताया गया है, कि रॉयल्टीज फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी इफ 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 बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड तो डिस्प्यूट तो हमने कर दिया बट देखो भाई डिस्प्यूट का जवाब भी मिल रहा है डिस्प्यूट का जवाब है कि ये जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को अगर हम लोग रॉयल्टी का बात करें कि इसको डायरेक्ट समझना है तो इसपे पर पीस होना चाहिए इफ बेस्ड ऑन यूनिट्स हायर चार्जेस में भी यही लिखा हुआ है ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी यूज ऑन हायर इफ बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कुछ समझ में आ रहा है मेरे दोस्त इतना बारीक एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग तो गलती से भी गलती नहीं करना अपने को अगर हम लोग पर यूनिट पे रॉयल्टी दे रहे हैं या हायर दे रहे हैं पर यूनिट तो ये यहीं पर आएगा बट अगर ये पर यूनिट बेसिस नहीं है कुछ फिक्स बेसिस है कुछ फिक्स बेसिस है रॉयल्टी एंड हायर चार्जेस यूनिट बेसिस पे नहीं पर यूनिट है तो भी नज़र से दिख रहा ना मैंने क्या कहा था ओवरहेड जो माथा के ऊपर और पर यूनिट तो जो बना रहे देख रहे ना अरे भैया हमने एक हजार यूनिट बनाया देखो देखो एक हजार यूनिट बनाया तो भैया एक हजार यूनिट का रॉयल्टी और हायर चार्जेस दे दो और यहां अगर इसको इनडायरेक्ट में लिख दिया टू फैक्ट्री ओवर और ओवर में अगर रॉयल्टी एंड हायर लिख दिया है ओवर में अगर रॉयल्टी एंड हायर लिख दिया है मेरे दोस्त तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि फिर ये पर पीस बेसिस नहीं हो सकता है क्या इतना डिटेल्ड क्लैरिटी है आपके दिमाग में अब बिल्कुल है सर और क्यों ना हो जब हम हमारा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्लैरिटी के लिए ही तो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन फैक्ट्री कॉस्ट टू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो आपको आधा अधूरा डेटा देंगे उसमें से आपको अपना दिमाग लगा के सेल्स निकालना है या क्या बच गया क्या बेच लिया या क्या बच गया तो निकाल लेना आप लोग तो कुछ रूल्स है एक इम्पॉर्टेंट रूल बताएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कि जो माल आपने पहले मैन्युफैक्चर किया उसी माल को पहले सेल किया ओपनिंग इन्वेंट्री था एक हजार मैन्युफैक्चर किया समझ लो तीन हजार ठीक है कितना बेचा वो अपने को निकालना है तो उसका प्रोसेस बता रहा है जैसे इंस्टीट्यूट बता रहा है वैसे मैं लिख रहा हूँ तो बाई एडिंग द ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री एक हजार एंड यूनिट्स मैनुफेक्चर यूनिट्स मैनुफैक्चर तीन हजार ठीक है जी एंड डिडक्टिंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना माल बच गए रे ए राजन देख तो भाई कितना माल बचा हुआ है गोडाउन में साहब पंद्रह सौ तो कितना माल बिका अगर मैं पूछूं तो एक हजार स्टार्टिंग में था तीन हजार इस बार मैन्यूफैक्चर किया पंद्रह सौ बचा है गोडाउन में तो चार हजार में से डेढ़ हजार माइनस कर दो तो ढाई हजार माल हमने बेचा है ये तो अपने कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे बट इंस्टीट्यूट आपको एक एक चीज बता रहा है दोस्तों इट इज देर फोर यूजफुल टू हैव क्वान्टिटी कॉलम्स इन अकाउंट सो दैट इट कैन बी सीन दैट द बोथ साइड बैलेंस तो क्वांटिटी कॉलम आपको एक एडिशनल क्वांटिटी का कॉलम बनाना बना लेना भाई इतना रिक्वेस्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट आपको okay point number b the manufacturing account will show the quantity of raw material in inventory at the beginning and at the end of the year and the purchases during the year by raw material ka detail as regarding finished goods it will show only the quantity manufactured देखो फिनिश गुड्स में तो मतलब यही है ना कि कितना टोटल बना एंड एज रिगार्ड्स वर्क इन प्रोग्रेस द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग अमाउंट तो वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ठीक है और रॉ मटेरियल में भी इन्वेंट्री बिगनिंग में कितना और एंड में कितना ठीक है एंड द परचेजेस कितना कि वो तो रॉ मटेरियल कितना स्टार्टिंग में था कितना खरीदा और कितना लास्ट में बच गया और वर्क इन प्रोग्रेस भी स्टार्टिंग में कितना वर्क इन प्रोग्रेस था जैसे स्टार्टिंग में था एक हजार शर्ट जिसका वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मतलब उनका कटिंग हो चुका था अब साल के एंड में समझ लो दो हजार दो सौ शर्ट ही है जो वर्क इन प्रोग्रेस है तो सर हजार से दो सौ मतलब अरे भाई मतलब ये है कि आठ सौ शर्ट फिनिश हो गया 800 शर्ट पूरा हज़ार में से 800 पूरा तैयार हो गया एकदम रेडी है 200 अभी तक रेडी नहीं हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट विल शो द क्वांटिटीज ऑफ फिनिश गुड्स ये बात भी हमने पहले तय कर लिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में तो फिनिश गुड्स ही दिखाना है क्योंकि जो शर्ट अभी तक अधूरा है काम पूरा नहीं हुआ आयरनिंग नहीं हुआ बटन नहीं लगा स्टिचिंग नहीं हुआ उसको थोड़ी ना बेचना है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो वही होता है जो बेचना है अल्टीमेटली ट्रेड मतलब ट्रेडिंग मतलब ही ट्रेड करना ट्रेड तो हम लोग जो करेंगे फिनिश गुड्स का ही करेंगे ना भाई एंड सोल्ड एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री भाई शुरू में कितना था जो भी था फिनिश गुड्स रहेगा ट्रेडिंग में इट विल नॉट शो द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस जो मैंने कहा कि अल्टीमेटली ट्रेडिंग में फिनिश्ड गुड्स ही रहेगा तो जो बच्चा गलती से भी ट्रेडिंग में अब आप लोग गलती कहाँ करोगे बात को समझो अब ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया वर्क इन प्रोग्रेस हो गया ना नंबर गया ना हिसाब मिल जाएगा बट गलत जगह पे डाल दिया भाई फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना माल बच गया अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करना है कैसे करोगे सो so ये 500 शर्ट जो बचा इसी का तो कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक अब ये बता रहे है कि क्लोजिंग स्टॉक को डिटरमाइन करना है अब ये जो पाँच शर्ट बचा है कि कौन सा शर्ट बचा है पॉइंट ये है कि ये हज़ार वाला शर्ट बचा है या तीन हजार में से पाँच सौ बचा है दिस इज़ द क्वेश्चन और अगर हम लोग ये बोलेंगे जो स्टार्टिंग में जो शर्ट था जो शर्ट मेरे पास जनवरी में था मैंने उसको सबसे पहले जो सेल करना चालू किया जनवरी वाला पहले सेल किया और ये जो तीन हजार शर्ट है ये तो जून वाला है तो भैया मैं तो जनवरी वाला पहले बेचता हूँ अगर मैं जनवरी वाला पहले बेचता हूँ तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जो शर्ट बचा है पाँच सौ मेरे पास ये लास्ट वाला है इसका मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो जो शर्ट पहले आया मेरे पास पहले बेचा फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट ठीक है मेरे दोस्त सो इट मस्ट बी एज्यूम दैट द सेल्स हैव बीन ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस एंड दैट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट एज फार एज पॉसिबल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर द ओपनिंग इन्वेंट्री बींग सोल्ड आउट वही अंग्रेजी में मत फंसीगा सीधा सीधी बात है कि जो शुरुआती इन्वेंट्री था पहले वो बिक गया अब पता है इतना कहानी करने के बाद पता क्या बोल रहे हैं कि आजकल ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कोई बनाता ही नहीं है बस अरे यार बनाता नहीं तो इतना पढ़ा क्यों रहे हमको तो इतना कहानी करने के बाद मोरलेस बोल रहे हैं ट्रेडिंग वेडिंग में मिला जुला के काम कर लेते हैं यार ठीक है इतना झमेला नहीं करते हैं हाँ ये इलेस्ट्रेशन टू देखते हैं मिस्टर विमल सो मिस्टर विमल रन अ फैक्ट्री प्रड्यूस सोप अरे साबुन बनाते फॉलोइंग डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्स मैन्यूफेक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द इंडेड थर्टी वन मार्च दो हजार सोलह ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दस हजार यूनिट मतलब ये दस हजार यूनिट में सोलह हजार रुपया खर्चा हो गया बट क्या साबुन तैयार है मैं नहाना चाहता हूँ अरे नहीं सर वो साबुन अभी रेडी नहीं हुआ है अरे दस हजार पीस रेडी नहीं हुआ आधा अधूरा पड़ा हुआ है अरे हाँ सर रेडी नहीं हुआ है कितना खर्चा कर डाले उस पर सर दस हजार साबुन पे हमने सोलह हजार खर्चा कर दिया मतलब एक रुपया साठ पैसा खर्चा है और अभी तक साबुन रेडी नहीं हुआ नहीं हुआ है भाई नहीं हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बारह हजार यूनिट अरे शुरुआती पे तो एक रुपया साठ पैसा था तो बारह हजार इंटू एक रुपया साठ पैसा अगर हम करें कैलकुलेटर निकाल के बारह हजार इंटू एक रुपया साठ तो ये तो उन्नीस हजार दो सौ होना चाहिए देखो भैया वर्क इन प्रोग्रेस है ये प्रोग्रेस कुछ और अब समझ लो यहाँ पर कुछ और कुछ एक केमिकल डाला होगा राइट तो यहाँ बीस हजार रुपए डिवाइडेड बाय बारह हजार करेंगे तो ये वन पॉइंट सिक्स 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 आ गया खर्चा तो छः पैसे का खर्चा और बढ़ गया ठीक है सो so, इसी प्रकार से वर्क इन प्रोग्रेस जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा खर्चा बढ़ते रहेगा और फाइनली ये बन जाएगा क्या फिनिश गुड्स ठीक है आगे देखते हैं भाई ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एक लाख सत्तर हज़ार क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एक लाख नब्बे हज़ार परचेज क्या है ये परचेज है मतलब रॉ मटेरियल का परचेज आठ लाख बीस हज़ार हायर चार्जेज ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ पॉइंट सिक्स जीरो पर यूनिट मैन्युफैक्चर। तो ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्योंकि पर यूनिट दिया हुआ है ठीक है जितना यूनिट बनाएंगे इनटू पॉइंट सिक्स जीरो कर देना इसीलिए ये ब्लैंक है अगर कोई बच्चा बोला सर ये ब्लैंक क्यों भाई जितना बनाएंगे उसका साठ पैसा पर यूनिट हायर चार्जेस फॉर फैक्ट्री ये फिक्स है तो अभी हमने देखा था ना कि ये एक ऊपर में है एक नीचे में तो ये ओवरहेड हो गया फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट पॉइंट एट जीरो पर यूनिट मैनुफैक्चर एंड पॉइंट फोर जीरो पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्लू आई पी जो मैन्युफैक्चर हो गया है उस पर तो अस्सी पैसा मतलब पूरा काम हो गया ना दोस्त तो पूरा काम अस्सी पैसा का और ये चालीस पैसा मतलब आधा काम हुआ है फिफ्टी परसेंट काम हुआ है इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोजिंग डब्लू आई पी तो क्लोजिंग डब्लू आई पी जो है इस पे इतना पैसा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक लाख अस्सी हज़ार और कितना यूनिट बना है पांच लाख यूनिट बना है दोस्तों प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च दो हज़ार सोलह तो मज़ा आना चाहिए इसमें क्योंकि पूरा डिटेल है अपने पास ऊपर का डिटेल लेकर नीचे बस डालना है काम हो जाना है क्योंकि हमने जो बारीकी वाली बात थी वो समझ ली टू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अपने को पता था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दस हजार यूनिट देखो बताया गया था कि यूनिट का कॉलम बना लेना यूनिट का कॉलम बनाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा तो भाई ठीक है बना लिया दस हजार यूनिट सोलह हजार रुपया का दाम ये हमने एकदम डायरेक्ट उठा लिया कहा से तो ये सोलह का एंट्री हमने मैंशन कर दिया तो अब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तुरंत लिख लें उसके नीचे अरे नहीं भाई नहीं जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे काम तो शुरू में सा सोलह हजार वर्क इन प्रोग्रेस इसको तो हम कंप्लीट करेंगे ही बट और भी तो कुछ खरीदा होगा इस साल हाँ जी खरीदा ना रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल शुरुआती तौर पे तो तो मेरा एक लाख सत्तर हजार का परचेज किया हमने आठ लाख बीस हजार का ये दोनों को पहले हम लोग संभाल लेते हैं तो रॉ मटेरियल एक लाख सत्तर और रॉ मटेरियल परचेज किया आठ लाख बीस ठीक है तो क्लोजिंग में इतना तुरंत अटैक नहीं करने का दोस्त ठीक है सो तो ये दोनों आ गया अपना तो कहने का मतलब है कि शुरुआती तौर पे एक तो दस हज़ार यूनिट और दस हज़ार यूनिट पे सोलह हज़ार रुपया का खर्चा हो चुका था अब देखो खर्चा का बात कर रहे हैं ये एक सत्तर भी खर्चा हो चुका है और ये आठ लाख बीस हजार भी खर्चा हो चुका है तो नौ लाख नब्बे हजार खर्चा हो चुका है मगर मगर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल का ये बताता है अपने को कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये पैसा अभी भी ये इन्वेंट्री अपने पास है तो अपने पास है तो इसको माइनस करो तो इसको माइनस करो भैया एक लाख नब्बे हजार को ये माल अपने पास रह गया है बच गया है तो खर्चा कितना हुआ है आठ लाख ये कैसे खर्चा हो गया सर अरे ये तो वर्क इन प्रोग्रेस था तो ये तो प्रोग्रेस हुआ ही है लास्ट में देखेंगे ना कि और कितना वर्क इन प्रोग्रेस रह गया है। उसको माइनस करेंगे तो माइनस चाहे तो यहाँ कर लो चाहे माइनस वाला पॉइंट को इधर लिया तो देखो बाइक क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को अपने इधर लिया आए बारह हजार यूनिट बीस हजार का ठीक है और अपने को पता है कि 5 लाख यूनिट बना है ये अपने को पता है ठीक है 5 लाख यूनिट अपने बनाए हैं और अपने को ये भी पता है कि अभी ये सब खर्चा अभी बाकी है रिपेयर का खर्चा बचा है ठीक है अपने को ये सब भी तो देखना है अरे मशीन का हायर लगा ठीक है ये भी देखना है तो सर ये सब को कहाँ देखेंगे कैसे देखेंगे डायरेक्ट वेजेस जो है ये सब कहाँ गया अभी सब आएगा क्योंकि अभी तो हमने बात यहाँ तक किया है सिर्फ और सिर्फ मटीरियल का बात किया दोस्त ठीक है सिर्फ मटीरियल का बात किया अब डायरेक्ट वेजेस जो है ये वेजेस का कैलकुलेशन दिया हुआ चार लाख चार हजार आठ सौ इसको वर्किंग नोट पे ले जाते हैं वर्किंग नोट में ले जाने से पहले वेजेस क्या हम लोग पहले एक बार ऊपर में देख ले ध्यान से वेजेस जो है डायरेक्ट वेजेस बोल रहे हैं दोस्त कि 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 40 पैसा ऑफ द क्लोजिंग डब्ल्यू तो क्लोजिंग डब्ल्यू अपने को पता कितना है क्लोजिंग WIP अपने को पता है कितना है बीस ये बारह हजार यूनिट तो बारह हज़ार यूनिट ये ओपनिंग को भूल जाइए दोस्त ये दस हजार को भूल जाइए क्योंकि ये दस हजार जो है ये कहीं ना कहीं यूनिट्स प्रोड्यूस में आके मिक्स हो गया है यही गलती करते हैं आप लोग ये जो ओपनिंग दस हज़ार जो है दोस्त मेरे ये ओपनिंग दस हज़ार जो है क्योंकि सास भी कभी बहुत ही याद करिएगा ये दस हजार जो ओपनिंग है इसको अपने मान के चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं यहां आके मिक्स हो गया है। और जो भी है लास्ट में क्लोजिंग जो है ये बारह हजार है जो बच गया ये बारह हजार है बस क्योंकि अभी आपने डिस्कस किया था ओपनिंग फीफो भाई सबसे जो बचा स्टार्टिंग में वही अल्टीमेटली बिकेगा पहले बनेगा बिकेगा तो पांच लाख यूनिट जो है ये तो सीधा अस्सी पैसा करके दोस्त होता है चार लाख रुपया वेजेस का और बारह हजार यूनिट जो है जो कि क्लोजिंग स्टॉक है ये अपने देंगे चालीस पैसा करके तो बारह हजार यूनिट को चालीस पैसा करके दे दो तो बारह हजार इन टू पॉइंट फोर जीरो चार हजार आठ सौ रुपया तो चार लाख चार हजार आठ सौ रुपया ये अपने को कैलकुलेशन समझ में आ रहा है वेजेस का सर यही तो आ गया यहां पर तो चलो ठीक है अपने ऊपर ऊपर देख लिए तो अपने को वर्किंग नोट देखने का दरकार नहीं हमने वर्किंग कर लिया जी ठीक है तो ये तो हमने खेला संभाल लिया है वेजेस का बाकी अब मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए हायर चार्ज ऑफ मशीन इस पॉइंट सिक्स जीरो हायर चार्जिस पॉइंट सिक्स जीरो पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड तो सर WIP आई पी का हायर चार्जेस नहीं लगेगा क्या सर WIP आई पी का हायर चार्जेस नहीं लगेगा क्या ये बात जो बच्चा मेरे से पूछना चाह रहा है मैं उसको यह बोलना चाहता हूं अरे मेरे भाई अरे मेरे भाई अभी वो बहू है बहू सास बनने देना उसको जिस दिन वो सास बनेगी उस दिन अपने उससे नेग ले लेंगे अरे तुम सास बनी हो चलो कुछ दो समझ में आया बात तो अभी तो वो बहू के स्टेज में है तो मत परेशान करो उसको उससे पैसा तो मिलना ही मिलना है क्योंकि जो भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है जो भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है वो कभी ना कभी तो फिनिश्ड गुड्स बनेगा या नहीं सोच के देख भाई वर्क इन प्रोग्रेस जिस दिन फिनिश्ड गुड्स बनेगा हम उस दिन ले लेंगे हायर चार्जेस ऑफ द मशीन ठीक है सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि अब मशीन का कोई काम बचा ही नहीं है उसमें भैया बहुत इंटेलिजेंट भैया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस मत लगाओ यार खतरा हो जाएगा बट क्वेश्चन अच्छा है अगर किसी के दिमाग में ऐसा सवाल आया तो क्वेश्चन अच्छा है बट ऐसा आपको कहीं मेंशन तो नहीं किया हुआ अगर मेंशन कर दे सब में अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि वर्क इन प्रोग्रेस का सारा मशीनरी काम कंप्लीट हो गया है गुड क्वेश्चन तो आपको लगना चाहिए कि देखो मशीन का तो सारा काम कंप्लीट हो गया अब तो समझ लो सिर्फ आयरनिंग का काम बचा है तो आप हो सकता है वो चार्ज लगा दो बट आम तौर पे लॉजिकली सोचो तो लॉजिक क्या बोल रहा है कि भैया अभी वर्क इन प्रोग्रेस है ये फिनिश गुड्स तो हुआ नहीं तो ये जो साठ पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड लिखा है मैन्युफैक्चर्ड तो मैन्युफैक्चर्ड मतलब है जो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर हो गया फिनिश गुड्स तो अपने को यह पता है कि पांच लाख यूनिट पांच लाख यूनिट अपने को यह पता है कि फिनिश हुआ है 5, 000, तो पांच लाख यूनिट तो ये पांच इंटू साठ ही होना चाहिए यस पांच इंटू साठ तीन लाख रुपए अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखो इसको डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है मेरे दोस्त हायर चार्जेस ऑन मशीनरी अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री शेड दो लाख बीस हजार रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक लाख अस्सी हजार तो ये उन्नीस लाख बीस हजार आठ सौ रुपये तो यहाँ पर भी आया उन्नीस लाख बीस हजार आठ सौ रुपये सो अल्टीमेटली ये पांच लाख यूनिट जो बना है ये बीस हजार रुपया को छोड़ दो बैलेंसिंग फिगर अपना इतना रुपया में टोटल बना है पांच लाख यूनिट बना है अपना उन्नीस लाख आठ सौ रुपये में इससे बस यही समझ में आता है सो so, इसी क्वेश्चन के साथ इलस्ट्रेशन टू के साथ मैन्युफैक्चरिंग का काम हमने कर लिया तमाम बाकी समरी आप देखेंगे टेस्ट योर नॉलेज आप करेंगे और इस पर भी कुछ एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो भी आप देखेंगे तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं देगा क्योंकि आपके पास लॉजिक्स एकदम स्ट्रांग है और कॉन्फिडेंस उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना आंखें को खोलो आराम से देखो जो देखा है जो करना है सोचो आराम से कर डालो सो so, आज के लिए बाय टेक केयर लव यू लव यू लॉट्स और ये पूरा उम्मीद करता हूँ कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं बट बहुत बारीकी से सीबीआई बी के तरह पढ़ते हैं हम लोग सीबीआई इंक्वायरी जो होता है ना अच्छा तो उस तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्त तो, रट नहीं रहे हैं, समझने का भरपूर चेष्टा कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को धीरे 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 बिल्ड करो अपना दिमाग को बैलेंस करना सीखो क्वेश्चंस खुद करो कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद ढूंढो ये नहीं कि बस मास्टर जी इंजेक्शन ले लेके दिमाग में डाले जा रहे हैं और हमको क्या हम तो पेशेंट है जी बस सर जी आप डालिए हम तो इंजेक्शन डलवाने के लिए आए हैं आपके पास पैसा देने के लिए नहीं दोस्त गलत है ये एजुकेशन इंजेक्शन डालने का काम नहीं है एजुकेशन का मतलब है आपके अंदर नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंसान के बच्चे हो भाई सारा दिमाग में करोड़ों साल का ब्रेन में प्रीवियस ईयर्स हिप्नोटिज्म से आपका प्रीवियस बर्थ का भी नॉलेज आपके ब्रेन में है कई जन्म हो चुके हैं हमारे हम तो भाई थोड़ा सा ये सब बिलीव करते हैं अब कोई बच्चा बिलीव नहीं करे वाला नहीं सर मैं तो बिलीव नहीं करता चलो ठीक है वो अलग बात है तो कई जन्मों का नॉलेज आपके दिमाग में ऑलरेडी विराजमान है तो मैं क्या समझाऊं यार आपको सो so, काम मेरे को करना कि आपके दिमाग में बत्ती जलाना अंदर से रोशनी आना चाहिए बल्ब जल जाए बस अंदर में तो दिमाग को मैं बार बार ऐसे ऐसे नींद से जागा वा, सोया हुआ दिमाग को मैं बोला है जाग तू ऑलरेडी इंटेलिजेंट है भाई इस जन्म में एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है कोई बात नहीं बट पुराने जन्म में पिछले जन्म में एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग था तो तेरे अंदर में नॉलेज है सिर्फ लाइट जला भाई लाइट जला तो लाइट जला लोगे ना तो अचानक तुमको लगेगा कि यस आई कैन विजुअलाइज एवरीथिंग आई कैन सी एवरीथिंग आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग और इंजेक्शन डलवाओगे तो दर्द तो होगा ना यार तो दर्द में खो जाओगे नॉलेज कहां से मिलेगा क्योंकि जितना भी एजुकेशन हो रहा है इंजेक्शन डलवाने वाला काम हो रहा है तो भैया मत करो ये काम सो so, प्लीज अंदर से अपने क्वेश्चन को जागरूक रखो तीसरी आंख को खोलो तीसरा आंख को खोलने से क्या होगा ये अज्ञान जो है ना अज्ञानता भस्म हो जाएगा बोलते हैं शिव जी का तीसरा आंख खुलने से पूरा भस्म हो जाता है तो आपके अंदर का जो अज्ञानता है वो भस्म करो तीसरा आंख खुलो और सब कुछ क्लियर हो जाएगा सो so, इसी के साथ आज हम अलविदा कहते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना तीसरा आंख जरूर खोलोगे द थर्ड आई सो ऑल द बेस्ट आई लव यू ऑल वंस अगेन टेक केयर और अकाउंट्स में प्लीज यार दो चार बच्चे तो सौ में से सौ ला के दिखाओ Bye-bye.